नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, चालीस नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, अकबर नीति नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, पारी को नौकरी भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पारियों को नौकरी भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाबुआ राज में बाबुआ राज नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, चालीस नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, चालीस नहीं चलतो, लाठी चार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्टूडेंट के ऊपर रफायर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्टूडेंट के ऊपर रफायर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, जब जब छात्र बोला है, सिंहासन बोला है, जब जब छात्र बोला है, सिंहासन बोला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ में नेहा। झारखंड नई नियोजन नीति के विरोध में 48 घंटे का संपूर्ण झारखंड बंद को लेकर सड़कों पर समर्थक उतरे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने राज्य सरकार के नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर बंद बुलाया है। ये बंद 48 घंटे के लिए बुलाया गया है। 10 और 11 जून को बुलाए गए इस बंद में नियोजन नीति का विरोध हो रहा है। वहीं शनिवार को राजधानी रांची में भी कई जगहों पर बंद समर्थक सड़कों पर उतरे, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही बंद समर्थक वहां से भाग निकले। रांची में बंद को देखते हुए 1500 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सीएम आवास और मोराबादी में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में भी बंद का असर देखा गया, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 32 और 33 को जाम कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थक आक्रोश प्रकट करते नजर आए, शहरी क्षेत्र में इसका असर नहीं देखा गया। बंद समर्थक जगह जगह टायर जलाकर और सड़कों पर आवागमन बाधित कर सरकार विरोधी नारेबाजी करते देखे गए। प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच कहीं कहीं बंद समर्थकों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं लंबी दूरी की बसें सुबह के वक्त नहीं खुली, हालांकि दिन निकलने के साथ ही बसों का आवागमन भी शुरू हो गया। वहीं NH-23 पेटरवार बोकारो और रांची मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। समर्थक 60-40 का नारा लगाते हुए दिखे। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, 60-40 वापस लो का नारा लगाते हुए बंद समर्थक इसे चिलचिलाती धूप में खड़े दिखे। बंद समर्थकों के द्वारा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बीमार लोगों को आने जाने के लिए छोड़ दिया गया। बोकारो रांची मुख्य मार्ग जाम होने के पश्चात सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। बात करें तो कुल मिलाकर बंद के पहले दिन मिला जुला असर देखा गया। झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। 48 घंटे की बंदी का आह्वान उसी आंदोलन का एक हिस्सा है। उधर प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 24 घंटों में समर्थकों का क्या रुख रहता है। 40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, अकबर नीति नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, पारी को नौकरी भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पारियों को नौकरी भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाबुआ राज में बाबुआ राज नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, चालीस नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, झारखंड में स्थानीय नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, 132 लागू करो, लागू करो, लागू करो, होमन चौरान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड का शोषण बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो, 740 का विरोध में लगाया है। ये छात्र हित का नीति नहीं है, पूरा झारखंड का नीति नहीं है। जो नीति है, नीति के खिलाफ हम लोग हैं। ये नीति में हम लोग सहमत नहीं है, इसीलिए आज रोड जाम किए हैं, 2 दिवसीय रोड जाम। पहले हम लोग सर 10 तारीख से 25 तारीख तक हम लोग सब 81 विधायकों को और 14 सांसदों को हम लोगों ने लिखित बयान दिए थे, और उसके बाद फिर भी जब
हम लोग को लिखित देने के बाद भी फिर भी वैकेंसी निकाले जा रहा है, इसीलिए हम लोग आज बंद किए हैं। झारखंड ऐलान किए थे 10-11 झारखंड बंद रहेगा पूरी तरह। हम लोग हर जगह चौराहे पर हम लोग कोशिश किए हैं बंद करने का, आप नतीजा देख रहे हैं सर। दिक्कत क्या, सब आदमी मरीज लेके परेशान है, किसको कहीं जाना है, किसी का मीटिंग है, किसी का कुछ है, तो आप इसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम हाईवे साफ करा के रखना चाहिए, इसको भी करके बात करें ना। जैसा कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पिछले एक महीना से मुहिम चल रहा है, जिसमें पहला स्टेप था बंदी का कि झारखंड के टोटल 81 विधायकों का समर्थन लिया गया 740, जो वर्तमान नियोजन नीति 740 का चल रहा है, उसी का नियोजन नीति के विरोध में 81 विधायक में 72 विधायक का समर्थन प्राप्त हुआ और 14 सांसदों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद कल था मशाल जुलूस, आज दो दिवसीय झारखंड संपूर्ण झारखंड बंदी का आह्वान किया गया जेएसएसयू के द्वारा, जिसमें झारखंडी भाषा कल्याण संघ समिति समर्थन दिया, उसी का जी में हम लोग आज बंदी का किए हैं पेटवा के नीचे। अच्छा, बहुत से एग्जाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी, बहुत से पेशेंट है, उसके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए अति आवश्यक जो दिखाते हैं डॉक्यूमेंट छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस का सेवा, एम्बुलेंस जो आ रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, जो डॉक्टर है उनको छोड़ दिया जा रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी को छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ये बात झारखंड की सवाल है, ये केवल हम लोग का नहीं है, झारखंड सवाल है। और ये कहीं ना कहीं नीति झारखंड हित के लिए कतई नहीं है, ये 60-40 कहीं ना कहीं बाहरी घुसाव अभियान चल रहा है, इसी का विरोध में आज हम लोग बंद का आह्वान किए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार माथुर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।